दोस्तों रिसेंटली इंडिया के ऑयल मिनिस्टर ने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को डिफेंड किया, चलिए सुनते हैं। The purchases of Russian oil was not 2%, 0.2%, number one. Number two, we still buy only in a quarter what Europe buys in one afternoon. अगर हम यूक्रेन इन्वेजन से पहले के डेटा पर नजर डालें तो इंडिया अपनी सिर्फ 0.2% रिक्वायरमेंट रशिया से पूरी कर रहा था, लेकिन यूक्रेन इन्वेजन के बाद जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए, इंडिया ने रशिया से ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया और अप्रैल से सितंबर के बीच हमारा सिर्फ 17% ऑयल रशिया से आया है। दोस्तों लेकिन जर्मनी जैसी कंट्री जो ईयू एंड नेटो की मेंबर है, आज भी 30.5% ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रही है। तो क्या वेस्ट का इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के लिए क्रिटिसाइज करना जायज है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।